नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर महेश शेट्टी, जो उनके काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं, उनको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप भी जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के इंडस्ट्री में बहुत ही कम दोस्त थे। वे खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वे इंडस्ट्री में दो या तीन लोगों को ही अपना दोस्त मानते हैं। उन्हीं में से एक नाम अगर लिया जाए तो महेश शेट्टी का भी आता है। बताया जाता है कि महेश शेट्टी सुशांत सिंह राजपूत के काफ़ी क्लोज थे। लेकिन सवाल जो लोग उनसे अक्सर पूछा करते हैं वो ये है कि वो जो है बढ़ चढ़कर इस पूरी मुहिम में हिस्सा क्यों नहीं लेते। आप भी जानते होंगे कि महेश शेट्टी जो है वो कई बार देखे जाते हैं कि ज़्यादा इस पूरी मुहिम में एक्टिव नहीं रहते हैं। ज़्यादा उनके बयान, उनके ट्वीट्स, उनके वीडियोस, ऑडियोस नहीं आती हैं, जिसके चलते जो है लोग उनसे अब सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने दोस्त के लिए लड़ क्यों नहीं रहे। दोस्तों, इसको लेकर महेश शेट्टी जो हैं पहले एक बार जवाब दे चुके हैं। वे बता चुके हैं कि वे इस पूरी लड़ाई में किसी तरह का बेनिफिट नहीं लेना चाहते। वे इस पूरी ट्रेजेडी में जैसे कुछ लोग कर रहे हैं कि अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर, इस तरह की कोई हरकत नहीं करना चाहते। वो सुशांत सिंह राजपूत को पूरा सपोर्ट करते हैं, वो साइलेंटली सपोर्ट उनको पूरा करते हैं और इस पूरी लड़ाई में वो बिल्कुल साथ में हैं। लेकिन उनका कहना है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की इस पूरी ट्रेजेडी में अपना मुनाफा कमा गए, इस पूरी ट्रेजेडी को लेकर पैसे कमा गए, और अब भी वे जो हैं कई तरह की उल्टी सीधी बातें कर इस चीज़ से अटेंशन गेन करना चाहते हैं ताकि उनके व्यूज़ बढ़े, उनके लाइक्स बढ़े, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो दोस्तों, जिस स्पेसिफिक चैट की मैं बात कर रहा हूँ या मैसेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, हाल ही में महेश शेट्टी को किसी यूज़र ने, सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन ने पूछा कि आप जो है इस पूरी लड़ाई में जो है अपना साथ क्यों नहीं दे रहे हो। इसको लेकर महेश शेट्टी ने कई सारे आंसर्स दिए हैं। ये चैट जो है काफ़ी लंबी चली है, मैं आपको उसमें मोटी मोटी बात क्या हुई वो बता देता हूँ। तो महेश शेट्टी बताते हैं कि मैं इस पूरी लड़ाई में आपके साथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जस्टिस मिले, मैं वेट कर रहा हूं, मैं एजेंसीज पे भरोसा करता हूं और जो भी वर्डिक्ट आएगा मैं उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी कर लूंगा। लेकिन वे बताते हैं कि ज्यादा शोर शराबा करने से, अटेंशन गेन करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो सुशांत से कभी मिले भी नहीं होंगे, वे भी सुशांत का नाम लेकर कई तरह की बातें करते रहेंगे, कई तरह के इश्यूज बनाते रहेंगे और अटेंशन गेन करने की कोशिश करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ना ज़रूरी है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। वे बताते हैं कि मैं देखता रहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं बताते हैं कि मेरी जान को खतरा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से मेरा लेना देना था, मुझे ये लोग मारने वाले हैं, मुझे ये लोग हर्ट कर सकते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि इस तरह की गलत तरीके और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करें। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करते हैं तो अच्छे से सपोर्ट करें, ना कि उसमें अपना फ़ायदा देखें। तो ये मोटी मोटी बात महेश शेट्टी जो है वो इन चैट्स में करते दिख रहे हैं। वे बताते हैं कि भरोसा देते हैं कि जो सच है वो आखिर में सबके सामने निकल के ज़रूर आएगा, हमें पेशेंटली वेट करना होगा। तो दोस्तों, ये महेश शेट्टी का कहना है और अब इस पूरे मामले में कितना वेट करना पड़ेगा ये तो खैर समय ही बताएगा। आज की वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।